हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सी ट्रेडर्स में। ट्रेडर्स, अभी आपने थंबनेल देखा होगा तो पता चल गया होगा कि हम तीन केमिकल स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इन तीनों केमिकल स्टॉक्स हमें लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हम बात करेंगे। और इसको लगता है कि मुझे आपको एक अच्छा खासा पैसा और या स्टॉक्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप करोड़पति भी बना सकता है स्टॉक। अभी तक का जो भी इतिहास रहा है केमिकल स्टॉक्स के अंदर, वो सब भी चर्चा करेंगे। और साथ में ही एशियन पेंट आपने देखा होगा टाटा केमिकल को, इन सारे स्टॉक्स में केमिकल स्टॉक्स में आउट परफॉर्म रहा है और ये कितने गुना प्रॉफिट दिया है कि आपको मत पूछिए। तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हम तीन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। हम पहला स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड। यहाँ पे देख सकते हो तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड, इस स्टॉक को अगर बात करते हैं कि अगर वन मंथ में अभी रिटर्न की बात करें तो 2% तक का अभी रिटर्न देखने को मिल रहा है एक मंथ का। अभी बात करते हैं कि 5 दिन का इस कंपनी का क्या रिटर्न है तो 15% तक का है, 16% तक का रिटर्न है। ट्रेडर्स, अगर बात करें कि अभी तक 1 ईयर का क्या रिटर्न है तो 102% तक का है और 102 रुपये बढ़े हैं, मतलब 100 रुपया इस कंपनी के अंदर बढ़े हैं सिर्फ एक ईयर्स में। ओवरऑल रिटर्न की क्या बात करें ट्रेडर्स, तो ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो ये 4675% तक का रिटर्न दिया है ट्रेडर्स। तो आप ये देख सकते हो कि कितना गुना मनी को इंक्रीज किया है। और ये कंपनी 1990 में, मतलब 1988 में लिस्ट हुआ था और उसके बाद से कंपनी आउट परफॉर्म करती हुई जा रही है। तो ट्रेडर्स, अभी चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे और टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि तिरुमलाई में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करने की बात कर रहे हैं। इसका मार्केट कैपिटल ट्रेडर्स इसका है 2.07 ट्रिलियन करोड़। ठीक है, इतने अच्छे मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक्स आपको 200 रुपये के करीब में आपको ट्रेड करने के लिए मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की सलाह है मेरा ट्रेडर्स। ये आप जो इस चार्ट को देख रहे हैं, ये चार्ट आपको तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट अगर आप ट्रेडर्स देखोगे तो ये कंपनी 2015 में 7 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2015 में ये कंपनी 7 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, और उसके बाद से ये कंपनी अचानक से 2015 से ये स्टार्ट हुआ मोमेंटम, 2015 के फरवरी मार्च अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ, और 7 रुपये से इस कंपनी ने 2017 2 साल के अंदर इस कंपनी ने 244 रुपये का हाई लगाया। तो मतलब ये साइकिल 2015 से स्टार्ट हुआ अप ट्रेंड का और 244 गया, ये करीबन 2 से 3 साल के अंदर कंपनी ने 7 रुपये से ये 244 रुपये तक का मोमेंटम दिया। उसके बाद बात करते हैं कंपनी 2018 के बाद क्या रहा, तो 2018 के बाद आपको पता है कि इस कंपनी ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेट करते हुए इस कंपनी के अंदर लगातार गिरावट, और 31 रुपीज़ 2020 में जब यहाँ पे कोविड 19 हावी हुआ था तो 31 रुपये पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो 2044 से इस कंपनी के अंदर अचानक से गिरावट आया, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में कंपनी के कुछ फंडामेंटल या कुछ इशू रहे, उसके बाद से इस कंपनी के अंदर लगातार गिरावट और 31 रुपये तक दिखा, 7 रुपये से 244 और 244 से 31 रुपये। उसके बाद ट्रेडर्स फिर कंपनी ने 31 रुपये से स्टार्ट किया है, और कोविड के बाद की सिचुएशन आप कह दो 2020-21 के बाद इस कंपनी ने 31 रुपये से फिर चलना शुरू हुआ, एक चला गया है 210 रुपये तक। मतलब इसका लाइफ साइकिल जो है ट्रेडर्स, अब इसका लाइफ साइकिल अभी अप ट्रेंड का है। पहले तो 7 रुपये से स्टॉक गया 244 से कंपनी आई 34-35 रुपये, फिर से ये 235 रुपये से फिर ये कंपनी अभी 210 रुपये पर है ट्रेडर्स। अब इतनी गिरावट देखने की एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये लाइफ साइकिल ऐसे इस प्रकार से दोहरा सकता है, तो ये इस प्रकार से अब दोहराएगा नहीं। और मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर में जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं दाम, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इस स्टॉक को बाय करके होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2.07 ट्रिलियन करोड़ का मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक आपको मिल रहा है, और वो भी रीजनेबल प्राइस में, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को अपनाइए ट्रेडर्स, बाय ऑन डिप्स। ठीक है ट्रेडर्स, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को अपनाइए और प्रत्येक गिरावट में एक्युमुलेट करते हुए होल्ड करके चलिए, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इस कंपनी के अंदर आपको पैसा बना के देगा। ठीक है, तो तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड के अंदर बाय करके होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 2-3 साल के अंदर आप इस कंपनी के 700 रुपये से लेकर अपर टारगेट भी देख सकते हो, 700 रुपये से लेकर 850 रुपये भी देख सकते हो 1 से 2 ईयर के अंदर। 2 ईयर का टाइम होरिजन रखिए इस कंपनी के अंदर, और मुझे लगता है कि इसके अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले भी आया था, पिछले क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स अच्छे पेश किए थे तिरुमलाई केमिकल के, जिसके कारण अगर हम डेली चार्ट पर देखेंगे ट्रेडर्स, डेली चार्ट पे, और इस कंपनी को लगातार हम रिकमेंड भी करते रह रहे हैं। ये देखिए, अगर उसके बात करें इसके रिजल्ट्स के बाद, तो इस कंपनी का देखिएगा एक अच्छा मोमेंटम आया था 210, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में जब मार्केट्स के अंदर अचानक से गिरावट आया था आपको पता है, उसके बाद ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज में आ गई, और उसके बाद इस कंपनी ने करीबन 160 रुपये के करीब तक गिरावट हुआ, उसके बाद 160 से कंपनी लगातार अप ट्रेंड में यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है। अब 200 के एबव क्लोजिंग देना इसका ये मतलब हुआ कंपनी गिरावट में भी आपको बाइंग करने की सलाह है, मतलब नीचे के साइड में खरीदारी बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, कल के सत्र में इस कंपनी में करीबन 15% तक का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, मतलब फ्राइडे के सेशन में इस कंपनी के अंदर 15% तक का मोमेंटम देखने को मिला ट्रेडर्स, और इसका ये मतलब हुआ कि प्रत्येक गिरावट में बायर्स इस कंपनी के अंदर माल उठा रहा है। इसका जो भी ऑपरेटर है इसके अंदर गिरावट करता है माल को, एक अच्छे खासे कंपनी को 126 रुपये से लेकर 210 रुपये लेकर जाता है, और वहाँ पे लगातार यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में बैठता है,
और उसके बाद कंपनी के अंदर कुछ गिरावट आती है, गिरावट में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, फिर 200 के अबव जाकर क्लोजिंग देता है। तो ट्रेडर्स यही है कि इस कंपनी के अंदर प्रत्येक गिरावट में बाइंग करने की सलाह है। और नॉर्मली इस कंपनी के जो टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं ट्रेडर्स, वो टारगेट्स जो है मुझे 700 से लेकर 850 रुपये का, ये टाइम होरिजिन 2 ईयर प्लस रखिएगा ताकि आपको ये टारगेट्स जरूर मिले, ठीक है। 2 ईयर प्लस का टारगेट रखिएगा, 2 साल से ज्यादा का आपको ये टारगेट्स। केमिकल स्टॉक कभी भी निराश नहीं करता, ये आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है। प्रत्येक केमिकल स्टॉक का आज तक का जितने भी केमिकल स्टॉक का हिस्ट्री देखकर दीजिएगा, देखिएगा तो केमिकल स्टॉक कभी भी निराश नहीं करता मार्केट्स के अंदर। केमिकल का यूज हर एक सेक्टर में है, दवाई बनाने में भी केमिकल का यूज होता है और अपने रियल लाइफ में भी केमिकल्स के हर एक जगह भरे हुए हैं केमिकल लेवल। तो केमिकल सेक्टर में आपको निराश नहीं करेगा, केमिकल की डिमांड बहुत ज्यादा रहता ही है। केमिकल किस प्रकार की बनाती है कंपनी, इसके बारे में डिस्कस किसी और वीडियो में करेंगे, मगर केमिकल सेक्टर की कंपनियां आज तक का जो पास्ट परफॉर्मेंस है इसको देख लोगे ना, आपको जैसे टाटा केमिकल देख लो, आपको एशियन पेंट देख लो, इन सभी कंपनियों के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लोगे तो केमिकल सेक्टर में कभी आपको निराश नहीं करेगा। तो इसीलिए थिरुमलाई केमिकल का हमें है रिकमेंडेशन कि आप इसको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड कर सकते हो ट्रेडर्स। फिर भी आप इस स्टॉक का सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा, सेल्फ स्टडी करके ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा ट्रेडर्स। चलिए हम दूसरे स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्टॉक है ट्रेडर्स विनाइल केमिकल शेयर लिमिटेड, विनाइल केमिकल्स शेयर लिमिटेड। इस स्टॉक के भी अभी तक के परफॉर्मेंस को देखिएगा ट्रेडर्स, मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और कल के फ्राइडे के सेशन में कंपनी ने करीबन 5.5 पॉइंट तक का मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है ट्रेडर्स। अभी जो इसके करंट प्राइस है 220 रुपये का, इसका अभी करंट प्राइस है विनाइल केमिकल लिमिटेड का। अभी अगर एक मंथ का ओवरऑल रिटर्न देखिएगा ट्रेडर्स, तो एक मंथ के अंदर कंपनी ने 40% तक 42% तक का रिटर्न दिया है एक मंथ के अंदर। अगर अभी 6 मंथ का रिटर्न देखोगे तो 6 मंथ के अंदर इस कंपनी ने 62% तक का रिटर्न दिया है। ओवरऑल रिटर्न की बात करें, कंपनी ने अभी तक कितना वेल्थ क्रिएट किया है, तो कोई ज्यादा अदर केमिकल स्टॉक से इस कंपनी ने कुछ ज्यादा क्रिएट करके नहीं दिया है विनाइल केमिकल लिमिटेड। ये भी कंपनी 1996 के कंपनी करीबन रजिस्टर्ड है और इसके अंदर भी मुझे लगता है कि कंपनी ने अभी तक का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को 1998 तक में रजिस्टर्ड हुआ। और अभी तक इस कंपनी के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी यहां पे देख सकते हो ट्रेंड कि कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज भी आया, कंसोलिडेशन फेज के बाद एक कोविड-19 की गिरावट के बाद एक अपर ट्रेंड में कंपनी स्टार्ट कर रही है। इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, कंपनी के पॉजिटिव ट्रेंड के कारण अभी तक इसके ओवरऑल रिटर्न देखोगे ट्रेडर्स तो बात करेगा 15.13% तक का ही अप ट्रेंड मिला है ओवरऑल रिटर्न अभी तक। तो कंपनी अभी आपको इससे पहले वाला स्टॉक्स में डिस्कस किया जिसमें 46% तक का ओवरऑल रिटर्न दिया था, तो इस कंपनी के भी आपको इसके अंदर भी मुझे ये रिटर्न आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेडर्स। अभी भी इस कंपनी को बाय करने का बहुत ही अच्छा मौका है और ओवरऑल इसका ट्रेंड देखोगे ट्रेडर्स तो पॉजिटिव है और अपर साइड में इसके ट्रेंड होने के कारण विनाइल केमिकल लिमिटेड को बाय करने की सलाह है मेरा। और विनाइल केमिकल के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, क्या कहता है ये विनाइल केमिकल का, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में यहाँ देखोगे तो 36 रुपीज का लो लगाया, उसके बाद कंपनी के अंदर एक मोमेंटम, उसके बाद ये लगातार इस कंपनी ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से ब्रेक किया, फिर से कंसोलिडेट, फिर ब्रेक किया और उसके बाद देखिए इस कंपनी के अंदर 167-70 के अबव इस कंपनी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। 170 के अबव इस कंपनी ने 225 रुपये तक अभी तक का विनाइल केमिकल ने हाई लगा चुका है और ये हाई फ्राइडे के सेशन में जो था उसी दिन लगाया है इस विनाइल केमिकल में। तो ट्रेडर्स और इसके अंदर अभी तक का ओवरऑल पॉजिटिव टर्न देखिएगा तो इसके अंदर लगातार इस स्टॉक के अंदर आ जाता है। कभी कभी इस स्टॉक के अंदर क्या होता है कि इस स्टॉक के अंदर कभी कभी होता क्या है कि ये रेंज में ट्रेड करने लगता है, मगर जब भी ब्रेक होता है तभी भी एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिलता है ट्रेडर्स। तो विनाइल केमिकल के अंदर बाइंग करने की सलाह है आपको, 2 ईयर प्लस आपको इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करो 2 साल के लंबी अवधि में। आपको टारगेट्स आपको 550 रुपये से लेकर 700 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप होल्ड करो। मुझे लगता है कि इस कंपनी के ये भी टारगेट्स आपको अचीव करता हुआ आपको विनाइल केमिकल्स लिमिटेड देखने को मिल सकता है ट्रेडर्स। देखिए ट्रेडर्स ओवरऑल इसके ट्रेंड्स आप देखोगे ना, मंथली ट्रेंड्स भी देखोगे विनाइल केमिकल के, तो आपको ये देखिए क्या खूबसूरत आपको ट्रेंड दिखेगा। यहाँ पर ये ट्रेंड ब्रेकआउट किया, उसके बाद से इस कंपनी के मंथली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ वो भी पॉजिटिव है, वीकली चार्ट भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है और डेली का चार्ट भी देखिएगा तो यहाँ पर ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है ट्रेडर्स। तो हर एक टाइम फ्रेम में इस कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखता हुआ दिख रहा है और पॉजिटिव ट्रेंड्स के साथ। तो एनालिसिस देखिएगा कंपनी का कि अभी क्या कह रहा है, तो 100% जो ट्रेडर्स है वो कह रहे हैं बाय करने के लिए। और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करोगे ट्रेडर्स तो इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो 231 रुपये का है और लगातार ये लोअर सर्किट के बाद ये कंपनी के अंदर एक मोमेंटम दे रहा है और मेरा मानना है कि इस कंपनी के इससे और भी अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग करने की सलाह है, टारगेट 550 से लेकर 700 से अबव मिलेगा आपको। ट्रेडर्स बात करते हैं सुदर्शन केमिकल लिमिटेड, जिस स्टॉक को मैंने आपको रिकमेंड किया था, आपको सुदर्शन केमिकल लिमिटेड को रिकमेंड किया था फ्राइडे को, आप ट्विटर हैंडल पर भी आप जा सकते हो, यूट्यूब चैनल पर नहीं टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप दोनों जगह अगर फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप देख लेना। सुदर्शन केमिकल के अंदर अभी तक का ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए 32,099 तक का ये रिटर्न दे रखा है, मतलब 3300% तक का रिटर्न दे रखा है
और ये भी कंपनी 2000 के करीब में लिस्टेड दिख रही है 2005 में, और उसके बाद इस कंपनी ने एक अच्छा खासा आपको रिटर्न, और इस कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है करीबन 4.91 ट्रिलियन करोड़ का मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक्स आपको एक अच्छा रीजनेबल प्राइस पर अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ट्रेडर सुदर्शन केमिकल लिमिटेड के अंदर सलाह है बाय करने की और होल्ड करने की, और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अभी भी मिल रहा है। देखिए केमिकल स्टॉक्स के पीई की बात करोगे ट्रेडर्स तो आपको पीई ज़्यादा ही मिलेगा, हर एक केमिकल स्टॉक शेयर्स में आपको पीई ज़्यादा मिलेगा, मगर लॉन्ग टर्म अवधि में केमिकल सेक्टर में पैसा डेफिनेटली बनता है, मतलब 99% चांस होता है केमिकल सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्टेड करते हो तो आपको चांस होता है कि पैसा बनेगा। आपको यहाँ पे अगर वन मंथ का रिटर्न देखोगे तो करीबन माइनस में ये रिटर्न आपको दिख रहा है 4.63%, और अभी तक के अगर कल के सत्र में एक दिन की बात करें तो 20% तक का फ्राइडे को लगाया, और ये पाँच दिन का रिटर्न 18% है, और ये सिक्स मंथ का रिटर्न देखोगे तो 24%। ओवरऑल रिटर्न आपको बता दिया हूँ कि करीबन 33% तक का रिटर्न दिया है। चलिए इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए ट्रेडर्स ये सुदर्शन केमिकल का वीकली चार्ट है, और यहाँ देखिएगा कंपनी 26 रुपीज से तैयारी करता है अपर साइड जाने में। कुछ दिन यहाँ पे देखिएगा 2015 से लेकर 2016 के करीब में इस कंपनी ने कंसोलिडेशन फेज में रहा और एक रेंज में ट्रेड किया, उसके बाद ये कंपनी ब्रेक करती है, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम, फिर ये कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, फिर से इस कंपनी के अंदर कुछ गिरावट आता है, और लगातार गिरावट के बाद एक बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और बहुत दिनों से ये कंपनी 500 के नीचे ट्रेड करती रही, 570 से नीचे ट्रेड करती रही, और उसके बाद इस कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज में ही लगातार रहता है, और यहाँ से आकर उस कंपनी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम टू टाइम देता रहता है। तो कंपनी का अभी तक का ओवरऑल 50 वीक हाई की बात करें तो 794 का है, और ये कंपनी के अंदर जबरदस्त केमिकल सेक्टर में ये गिरावट भी देखने को मिला, और ये मुझे लगता है डिविडेंड के कारण ये इस कंपनी का गिरावट है। कंपनी ने डिविडेंड भी सुदर्शन केमिकल ने पे किया था, उसके कारण इस कंपनी के अंदर गिरावट है। तो ये गिरावट आपको इसके अंदर अपॉर्चुनिटी था आपको बाइंग करने का। अगर आप बात करें कि ओवरऑल देखिएगा इस कंपनी ने कहां तक का लो लगाया तो ये 550 रुपये तक का लो, 540 रुपये तक का लो लगाया था, तो यहाँ भी सुदर्शन केमिकल के अंदर बाइंग करना था पर आपने नहीं, मिस कर दिया, तो कोई भी बात नहीं है ट्रेडर्स। सुदर्शन केमिकल के अंदर प्रत्येक गिरावट में केमिकल सेक्टर के अंदर आप माल उठाइए, आपको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आपको पैसा जरूर बना के देता है। ये 99% चांस होते हैं ट्रेडर्स, कल के सत्र में भी इसको बाइंग करने की सलाह है, और होल्ड कीजिए लंबी परस्पेक्टिव से। हमें लगता है 1100 रुपये से लेकर इस कंपनी के 1400 रुपये तक आपको 2 साल से ऊपर में, और ये कहते हैं कि नहीं इसके अंदर आपका पैसा करोड़पति बना देगा। ये तीनों केमिकल स्टॉक्स आपको एक लंबी परस्पेक्टिव से आपको बाइंग करने का, होल्ड करने की सलाह है, और आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा ट्रेडर्स। ओवरऑल बात करें तो आपको इन तीन केमिकल सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सेल्फ स्टडी और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अगर नहीं फॉलो करते हो तो आप फॉलो कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद आप सभी का।